एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं मैथ्स क्लास टू के साथ। और आज की वीडियो में हम बच्चों को इजी वे में किस तरह से बिफोर आफ्टर बिटवीन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा सकते हैं, साथ ही साथ उनके जो डाउट्स हैं वो इजी वे में किस तरह से क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि उनको जो सवाल हैं वो सॉल्व करना ईजी रहे और उन्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आए। सबसे पहली बात है कि बच्चे बिफ़ोर आफ्टर बिटवीन को एलकेजी क्लास से ही सॉल्व करते हैं और मोस्टली उन्हें इसके बारे में जानकारी होती है, लेकिन फिर भी है कि कुछ बच्चे होते हैं वो नहीं उतना क्लियर हो पाते हैं और वो मिस्टेक्स करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों को जो काउंटिंग है, जैसे कि एलकेजी क्लास में बच्चों को 1 to 20, 1 to 50 कंप्लीट कराया जाता है और उसके अकॉर्डिंग बिफोर आफ्टर बिटवीन दिया जाता है। धीरे धीरे उनकी जो काउंटिंग बेस है वो 1 to 100 होता है, फिर 100 से 200 होता है। तो इसी तरह से बच्चों को बिफोर आफ्टर बिटवीन उसी के अकॉर्डिंग दिया जाता है और धीरे धीरे उनकी जो काउंटिंग बेस है उसको बढ़ाया जाता है। आपने देखा होगा कि फर्स्ट क्लास में एलकेजी क्लास में 1 to 50 होता है, फिर यूकेजी में 1 to 100 हो जाता है, फिर धीरे धीरे 100 से 200 हो जाता है और फिर 200 से 500, इस तरह करके बच्चों की जो काउंटिंग है उसको बढ़ाया जाता है और उसी बेस पर उनके जो सवाल हैं वो दिए जाते हैं। तो सेकंड क्लास में है कि बच्चों को 200 तक की जो काउंटिंग है वो तो कंप्लीट होती है और उसी बेस पे बच्चों को जो सवाल है वो दिए जाते हैं। और यहाँ पे जो एक्सरसाइज है उसमें 100 तक के सवाल के लिए अकॉर्डिंग दी गई है, 1 to 100 के लिए है, और हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जिससे कि बच्चे जब इसको सॉल्व करें तो उनको किस तरीके से डाउट्स आते हैं वो हम उनको बीच बीच में क्लियर कर सकें। ठीक है, तो जो वीडियो है वो आप विदाउट इसके फुल वीडियो वॉच करना, क्योंकि हम जब आपसे बातें करते हैं तो बहुत हेल्पफुल टिप्स होते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं बच्चों की स्टडी में। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो है कि बच्चों की काउंटिंग अच्छी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए, तभी उनको ये जो सवाल है वो सॉल्व करना इजी रहता है। बच्चे काउंटिंग अच्छे से जानेंगे और उसके बाद अगर उन्हें बिफोर आफ्टर बिटवीन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, उन्हें समझ में आ रहा है, तो उनको इस तरह के सवाल सॉल्व करना इजी रहेगा। तो सबसे पहले कि अगर आप इजी वे में समझाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आफ्टर जो होता है वो बच्चों के लिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। वो जैसे हम बच्चों को काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग बचपन से लर्न कराई जाती है 1 2 3 4 ऐसे करके, और वो उनको बहुत इजी रहती है, तो आफ्टर जो है बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो सबसे पहले आप उनको आफ्टर ही समझाइए, क्योंकि ये उन्हें बहुत जल्दी समझ में आता है। आफ्टर का मतलब होता है नेक्स्ट नंबर, जो नेक्स्ट नंबर होता है वो उनका आफ्टर नंबर होता है। इजी वे में अगर आप बच्चों को क्लियर करना चाहते हैं तो आफ्टर का मतलब होता है नेक्स्ट नंबर, जो नंबर आपको दिया गया है उसके जस्ट जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो उसका आफ्टर नंबर कहा जाता है। तो इस तरीके से आप उनको इजी वे में क्लियर कर सकते हैं। बिफोर नंबर क्या होता है? बिफोर नंबर होता है जस्ट बैक नंबर, जस्ट वन बैक नंबर। ठीक है, जब बच्चे एलकेजी क्लास में तो नहीं, यूकेजी क्लास में होते हैं, बच्चों को बैक काउंटिंग सिखाई जाती है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके। तो ये जो बैक काउंटिंग है, अगर आप बच्चों को टाइम रहते बैक काउंटिंग की प्रैक्टिस अच्छी करा देते हैं तो उनको ये जो बिफोर का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें बहुत ईजी होता है, बिफोर लिखने में उनके लिए बहुत ईजी होता है। क्योंकि पहले 10 to 1 सिखाया जाता है, फिर 20 to 2 सिखाया जाता है, उसका 50 to 1 सिखाया जाता है, धीरे धीरे 100 to 1 सिखाया जाता है। और ये जो बिफोर काउंटिंग है वो उनको ये जो बैक काउंटिंग है, बैकवर्ड काउंटिंग है, वो उनको बिफोर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करती है और उनको ईजी होता है। तो जहाँ तक होते हैं आप तो जो बैक काउंटिंग है उनकी बहुत अच्छे से कम्प्लीट कराइए। और दूसरा है कि जब बच्चे काउंटिंग करते हैं तो आप बच्चों को बताइए कि जो जस्ट बैक माने वन बैक में जो पहले जस्ट पहले जो नंबर आता है उसको ही हम बिफोर नंबर कहते हैं। बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो बच्चों को इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करानी चाहिए। आफ्टर बहुत ईजी वे में कर लेते हैं और उसके बाद जो बिटवीन होता है वो भी उनके लिए ईजी होता है, और जहाँ उनको डाउट्स आते हैं, जहाँ वो मिस्टेक्स करते हैं, वो स्पेस होता है बिफोर का।
तो बिफोर को बहुत अच्छे से बच्चे कंप्लीट कर सके इसके लिए पहली बात तो है कि आप उनको बैकवर्ड काउंटिंग अच्छे से कंप्लीट करा दीजिए। सेकंड, आप उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि जो नंबर आपको दिया गया है उससे जस्ट बैक, जस्ट पहले जो नंबर आ रहा है वही उसका बिफोर नंबर होता है। तो इससे क्या होता है कि उनको वो काउंट करते हैं वो नंबर तक, और नंबर से जस्ट पहले जो नंबर आता है उसको लिख देते हैं, बट उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए बैकवर्ड काउंटिंग अगर उनकी कंप्लीट रहेगी तो उनको ये बहुत इजी वे में कंप्लीट हो जाएगा। और सेकंड है बिटवीन, तो ये बच्चों के लिए ये भी इजी होता है, बच्चे इसको कर लेते हैं। के लिए यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है और एक नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, तो बच्चों को क्या करना है, इसके आफ्टर लिखना है और इसके बिफोर लिखना है। तो बच्चों को जो आफ्टर कॉन्सेप्ट होता है वो क्लियर होता है, तो आप बच्चों को बोलिए जस्ट आप इसके बिफोर, सॉरी आफ्टर लिख दीजिए, तो फाइव हो जाएगा, जो फाइव है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इजी वे में उनका कंप्लीट हो जाएगा। तो बिटवीन उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है, आफ्टर मुश्किल नहीं है, बिफोर की प्रैक्टिस अच्छी करानी है। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले थ्री कम्स आफ्टर, यहाँ पे ये चार ये दिया हुआ है, नंबर्स दिए हुए हैं, ओके। और यहाँ पे बच्चों को क्लियर किया जा रहा है कि आफ्टर क्या होता है। ये हमने यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म में बताया कि आप इजी वे में किस तरह से आफ्टर, बिफोर और बिटवीन को क्लियर कर सकते हैं, और इस चार्ट के हिसाब से आप बच्चों को समझा सकते हैं कि आफ्टर क्या होता है, बिफोर क्या होता है, बिटवीन क्या होता है। जैसे यहाँ पे टू और थ्री दो नंबर लिए गए हैं, तो जो थ्री है वो टू के आफ्टर आ रहा है। टू के आफ्टर क्या आ रहा है, थ्री, ये हो गया आफ्टर, ये हो गया आफ्टर। और थ्री से टू ये बिफोर आ रहा है, थ्री से टू बिफोर आ रहा है, ये हो गया बिफोर। तो नेक्स्ट नंबर आफ्टर होता है और जस्ट पहले जो नंबर आता है वो बिफोर नंबर होता है। बच्चों को इस तरह से क्लियर करा देना चाहिए। इससे क्या होता है, बच्चे जब एक बार समझ जाते हैं कि आफ्टर क्या होता है, बिफोर क्या होता है, तो वो सवाल सॉल्व करते हैं, थोड़ा सोचते भी हैं लेकिन वो कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आफ्टर क्या होता है। और वो लंबे, जैसे कि आपने यहाँ पे 63 नंबर दिया है, अब आप इसे कह रहे हो कि 63 से जस्ट बिफोर नंबर लिखिए, तो अगर उन्हें बिफोर पता है कि बिफोर क्या होता है, तो भले ही वो 60 तक काउंट करेंगे काउंटिंग को और तब लिखेंगे, लेकिन उन्हें पता है कि हाँ 63 से पहले मेरे पास जो नंबर आ रहा है वो उसका आंसर है, तो वो किसी भी तरह करेंगे, वो उसको कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हाँ बिफोर क्या होता है। बहुत बच्चे क्या करेंगे कि 1 से लेके 63 तक काउंट करेंगे और 63 से जस्ट पहले 62 आ रहा है तो वो 62 को लिख देंगे। बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि 60 से 63 काउंट कर लेंगे, 60, 61, 62, 63, क्योंकि उन्हें जो काउंटिंग अगर अच्छे से कंप्लीट है तो वो 60 से ही काउंट करेंगे, 60, 61, 62, 63। तो 63 से जस्ट पहले 62 आया, वो 62 लिख देंगे। और जिनको बैकवर्ड काउंटिंग अच्छे से कंप्लीट है वो 63 से जस्ट बैक काउंट कर लेंगे, 63, 62, और वो जस्ट 62 लिख देंगे। तो ये डिफरेंस होता है कि बच्चे किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, और प्रैक्टिस आपको करानी है। आप पेरेंट्स हो, बच्चों को आप किस वे में किस तरह से प्रैक्टिस करा रहे हैं, वो या तो आप उनको ओरल कंप्लीट कराना भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि बच्चों को लिखना तो आ ही रहा है, अगर उनको ओरल कंप्लीट है तो वो लिख देंगे। और प्रैक्टिस ज़रूरी है, आप उनको बैक काउंटिंग लिखने को दे सकते हो, आप उनको फिल इन द ब्लैंक्स की हेल्प से इनकी प्रैक्टिस करा सकते हो, आप मैचिंग की हेल्प से इनकी प्रैक्टिस करा सकते हो। अगर बैकवर्ड काउंटिंग की जो प्रैक्टिस है वो हम बच्चों को किस तरह से करा सकते हैं, इस पर पूरा एक वीडियो कंप्लीट बना हुआ है। अगर आप प्लेलिस्ट ओपन करते हो क्लास 1 और क्लास 2 की, तो वहाँ पे एक टॉपिक के साथ लिखा हुआ है कि बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग की प्रैक्टिस कैसे कराएं। अगर आप सर्च करते हो वहाँ पे देखते हो तो आपको मिल जाएगा, और आप उसको एक बार ज़रूर वॉच करना। इससे क्या होगा, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल टिप्स मिल जाएंगे, साथ ही साथ आइडियाज़ मिल जाएंगे कि हम किस तरह से बच्चों को उनका ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझा सकते हैं। तो आई होप आप उसको आप ज़रूर देखिएगा,
और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, बच्चों को थोड़ी प्रैक्टिस करा देते हैं। यहाँ पे क्या है, आप बच्चों को जब बिफोर आफ्टर बिटवीन क्लियर करा रहे हैं तो आप इस तरह से बच्चों को दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे एक जगह जब आफ्टर बिफोर और बिटवीन को सॉल्व करते हैं तो उन्हें ये क्लियर होता है कि आफ्टर का स्पेस यहाँ है, बिफोर का स्पेस यहाँ है और बिटवीन का स्पेस यहाँ है। बहुत बार होता है कि इस तरह से सवाल दिए जाते हैं कि आपको ये नहीं लिखा होता है कि आपको बिफोर लिखना है, आफ्टर लिखना है, बिटवीन लिखना है, आपको जस्ट इस तरह से सवाल बना के दे दिए जाते हैं और बच्चों को स्पेस के अकॉर्डिंग उसमें नंबर फिल करने होते हैं। तो बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है कि कहाँ उन्हें आफ्टर लिखना है, कहाँ बिफोर लिखना है, कहाँ बिटवीन लिखना है। तो यहाँ पे आफ्टर 4 के आफ्टर 5, 14 के आफ्टर 15, काउंटिंग अगर अच्छे से कंप्लीट है बच्चे इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, 76, 77, 28, 29, 48, 49, जो भी टिप्स थी हमने आपको क्लियर कर दिया है। आप जो हेल्पफुल लगे आप उनको फॉलो कर सकते हैं, वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आफ्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बिफोर, तो बच्चों को यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग के साथ लिखना है। एक ईजी वे आप ऐसे भी बता सकते हो, जैसे यहाँ पे 53 लिखा हुआ है तो जस्ट वन बैक ही जाना है, तो बच्चों को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि 3 से जस्ट पहले 2 आता है तो बच्चे यहाँ पे 52 लिख सकते हैं। 88, 8 से जस्ट पहले 7 आता है तो 8 तो यहीं रहेगा और वंस का जो प्लेस है वहाँ पे 7 आ जाएगा। 18, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 से जस्ट पहले 7 आता है तो ये क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अगर आप बच्चों को इस तरह से भी कॉन्सेप्ट क्लियर करा देते हैं और इसकी अच्छी प्रैक्टिस करा देते हैं तो बिफोर उनके लिए हेल्पफुल रहता है। 32, 2 से जस्ट पहले 1 आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 12, 2 से जस्ट पहले 1 आता है तो 11 हो जाएगा। अब इस तरह के जो स्पेस होते हैं ना, जैसे 40, 40, 70, 70, बच्चे इस स्पेस पे मिस्टेक करते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरा नंबर चेंज हो जाता है। 40 से जस्ट पहले उन्हें 39 लिखना है तो बच्चे इस तरह के जो स्पेस होते हैं वहाँ पे मिस्टेक करते हैं। तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि चाहे वो आफ्टर है, चाहे बिफोर है, चाहे बिटवीन है, इन स्पेस की अच्छी प्रैक्टिस करा दें। 40 से जस्ट पहले 39 आता है, 70 से जस्ट पहले 69 आएगा, 91 से जस्ट पहले 90 आएगा। नेक्स्ट है बिटवीन 25। अब यहाँ पे क्या है, इस नंबर के अगर आफ्टर वो इसको फिल करते जाते हैं तो बिटवीन उनका अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बच्चों को इजी वे में करवा दीजिए, 25 से यहाँ पे 26, 45 से 46, और बच्चे इसको बाद में रीड कर सकते हैं, 25, 26, 27 चेक कर सकते हैं। 45, 46, 47, 30, 31, 32, 60, 61, 62, 43, 44, 45, 65, 66, 67, 18, 19, 20, 78, 79, 80 and 56, 57, 58। तो आज की जो ये वीडियो है वो कंप्लीट हो जाती है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अब जो प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर एक बार विजिट करना, वहाँ पे जो वीडियोज़ हैं आप ज़रूर वॉच करना, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आपको लर्निंग वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस वीडियो मिल जाएंगे, रिविज़न वीडियो मिल जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को एक अच्छा स्टडी रिविज़न दे सकते हैं। तो आप प्लीज़ ज़रूर विजिट कीजिए, वीडियोज़ को वॉच कीजिए और अगर हेल्पफुल लगते हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।